जय हिंद दोस्तों, वायरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो आपके ऑप्शन हैं दिलवाड़ा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दिलवाड़ा मंदिर। इसको ध्यान रखना है, दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? बिंबिसार अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो आपके ऑप्शन हैं हर्यक वंश, नंद वंश या मौर्य वंश। तो इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश। तो इसको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नंदवंश की स्थापना किसने की? नंदवंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है महापद्मानंद, धनानंद, बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर होगा महापद्मानंद। ये कौन थे? ये धनानंद के पिताजी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो आपके राइट आंसर होगा हाइडेस पास में। कौन सी युद्ध में हराया था दोस्तों? हाइडेस पास में। तो इसको याद ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन संस्थापक थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? कौटिल्य ने। अमृत सेन की एक अर्थशास्त्र की पुस्तक है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अमृत सेन की पुस्तक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया, उसने इंडिका पुस्तक लिखा था? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो आपके ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 271 ईसा पूर्व, 281 ईसा पूर्व या फिर 291 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध विश्व लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसका अंतिम राजा बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। आपके राइट आंसर है बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 78 ईस्वी में शकयुग की स्थापना किसने की थी? 78 ईस्वी में शकयुग की स्थापना किसने की थी? तो 78 ईस्वी में शकयुग की स्थापना कुषाण राजा कनिष्क ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कुषाण राजा कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर में चौथा बौद्ध परिषद आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसको ध्यान रखना है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? तो इसका राइट आंसर होगा फाहेन। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फाहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? आर्यभट्ट और कालिदास
किसके दरबार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।